तीसरा अध्यक्ष महोदय, आम आदमी की बात सुनते हैं कि आज मेरा बीपीएल कार्ड काट दिया गया। जब पूछा जाता है कि क्यों काटा गया तो बताया जाता है मेरी इनकम ज्यादा दिखा दी गई है या मेरा बिजली के बिल की अदायगी ज्यादा दिखा दी गई है, और उन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए वो व्यक्ति जो अपनी गरीबी के आलम को लेकर के जगह जगह जाके अपने ठोकरे खाता है, लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। मैं चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए उनकी तरफ ध्यान दे और वो ऐसे व्यक्ति को वहां नियुक्त करे जो ऐसी छोटी सी त्रुटि को ठीक करके उस बीपीएल कार्ड को वापस रिन्यू करे, ताकि उस गरीब आदमी को परेशानी का आलम ना झेलना पड़े। अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए नशा जो आपने देखा होगा, पंजाब की छाया हरियाणा तक पहुंच रही है। आज स्कूल से लेके कॉलेज तक आप देखेंगे तो नशे का आलम बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान दें। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक ओबीसी की बात है, मैं समझता हूं कि स्वर्गीय राजीव जी ने महिला आरक्षण पंचायतों में शुरू किया था, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल पास किया, लेकिन इसकी कोई नीति नहीं कि कब लागू होगा, क्योंकि वो